किसान भाइयों, आज मैं आपको स्वराज 960 FE 5 स्टार के बारे में थोड़ी जानकारी किसान के माध्यम से लेना चाहता हूं। तो भैया आगे को आ जाओ थोड़े से। पहले तो ये बताओ आपका शुभ नाम। सोनू भाई। कौन सा गांव? टिटोड़ा। टिटोड़ा, टिटोड़ा ये कहां लगा है? जिले में, जिला मुजफ्फरनगर के ब्लॉक में। तो जैसे आपके ने ये बड़ा ट्रैक्टर लिया 5 स्टार, इसमें 5 स्टार का मतलब क्या है? हमें नहीं सुना। 5 स्टार जिसका कंपनी का ब्रांड है, ये टॉप मॉडल है इसका, ये 5 स्टार। कुछ चीज़ बदली होंगी इसमें? जो 4 स्टार है उसके मुकाबले इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होंगे? फंक्शन थोड़े ज़्यादा है इसमें। अच्छा। एक तो इसकी हाइड्रोलिक में पीछे से आदमी को, किसान जो है वो ऊपर से यहाँ आने की जरूरत नहीं हाइड्रोलिक उठाने के लिए, पीछे से उठ जाओ, पीछे ही इसमें लीवर। हाँ जी। अच्छा, तो इसका तेल का खर्चा क्या है? तेल का खर्चा लगे 5 लीटर घंटे का रूटर पे। जैसे 900-855 वगैरह है। हाँ, उसके मुकाबले इसका ज़्यादा है कुछ? एक 900 कम ही होगा, क्यों? रूटर पे लोड वोड नहीं लेता है। टायर 16 के? कौन सा? 16 28 है। तो कुल मिलाकर अच्छा लगा? हाँ जी, बढ़िया। इससे पहले कौन सा रखा आपने? इससे पहले तो ये छोटा ही था, हमारे पास 265 था महिंद्रा। और छोटा ही होगा तो वो कुल मिलाकर इससे आप दुखी नहीं हो? नहीं जी, दुखी नहीं है, खुश हूँ। बहुत बढ़िया है। अगर दाब के चलाओ, ये रोटावेटर 6 फुटा 7 फुटा रोटावेटर इसे चाहिए? 8 फुटा कायदे में। हाँ ये 8 फुटा चाहिए, पर 8 फुटा चक रोड जो हो ना खेतों के द्वारा रास्ते में निकल, गाँव में भी दिक्कत पड़ती है। तो चाहे तुम चलाओ इसे, 1 घंटे में कितना निकाल दे घड़ी देखी हो? 1 घंटे में निकाल है जी 3-3.5 बीघे। डबल या सिंगल? तो 7 बीघे लगा लो। हाँ जी। तो 700-600-700 ग्राम प्रति बीघा खर्चा बैठा है ना? तो सही है। और क्या चाहिए? हमने 44 रखा, उसका 800 ग्राम आ गया था। और हमारे यहाँ बीघा जो है 7-20 का, हमारे यहाँ 5 का क्या? 7 का। तो इसका मतलब इसका खर्चा कम है। हाँ जी। और जी इसका बस खेत में तो छोटे ट्रैक्टर से तो घना ही कम ले गए, पर रोड का थोड़ा खर्चा सा ज़्यादा बढ़ा है इनका। अब रोड पर कौन सा, मैं मुंजी पुचानी है, इतने में क्या फर्क पड़ रहा? तो कुल मिलाकर बढ़िया लगा? हाँ जी बढ़िया। गर्म बिल्कुल नहीं होता होगा? RPM नहीं तोड़ता उसके सीजन में। अच्छा, जुताई के सीजन में इसमें 2 बार पानी डालना बस, जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत नहीं पड़ती, रेडिएटर बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आयो है रिवर्स PTO, इसका भी कोई अब इस्तेमाल पड़ा है? नहीं जी, रिवर्स PTO का दिए इस्तेमाल नहीं पड़ा। रिवर्स PTO में अगर ऐसा हो जाता है कि खुर पे घिस जाए तो जब मैं रिवर्स PTO चला लूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि रिवर्स PTO में चक्कर ज़्यादा बना हुआ है। तो कितने दिन हो गए तुम्हारे पास? 1 साल से ज़्यादा हो गए। कितने का लिया था इस टाइम? हमने लिया था 5.5 लाख रुपये का। कुछ चला हुआ? हाँ। अब कितने घंटे चल गया होगा? अब तो ये इसका मीटर बंद हो गया। चल गया 5-1 हज़ार जब से आया? नहीं नहीं, 5 टोटल सब पहला रुपया ऐसा चला जी 2500 के लपेट में। हाँ नहीं, बड़े टायर भी। तो बेचने का मूड है? ना ना जी, वो तो बता दो, मिनटों में बिकवा दूँ। तो देखा किसान भाइयों, किसान बिल्कुल भी हाथ नहीं रखने दे रहा, बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीज़ बढ़िया है। तो जो लोग कमेंट करते हैं स्वराज के ख़िलाफ़, या तो उन्होंने ट्रैक्टर रखा ही नहीं और या वे किसी और कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बुराई करते हैं ताकि ट्रैक्टर बदनाम हो। क्योंकि हमने भी 10 साल चलाया, 10 साल में स्वराज 744 के 10,000 घंटे निकले, और जूं का तू रहा। रही मार्केट की बात, मार्केट बहुत बढ़िया है, हमने जितने का लिया था उतने का 10 साल चला के बेच दिया था। तो मैं कैसे मान लूँ स्वराज अच्छा नहीं है? देखो कितनी अच्छी जगह है, खुली 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 जगह है, बैठने के लिए बहुत अच्छी है। ये क्या लगवा रखा, कंप्यूटर बांध दिया जुगाड़? ना ना, ये तो डैक का है। अच्छा, डैक। आवाज़ देख लो एक बार। हाँ एक बार सुनवा दो आवाज़ भी इसकी। ना कोई जरूरत नहीं, वैसे सेल्फ मार। क्या शानदार आवाज़ है ये, क्यों लगवाया इस तरह का? पिछला बात तकड़ी हो जाओ तो गर्म नहीं होता होगा। शेर ट्रैक्टर, ये होते हैं ट्रैक्टर, क्या ट्रैक्टर धाड़ मार रहा है। दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा स्वराज 960 FE, 16 के टायरों में पावर स्टेयरिंग है, जबरदस्त ट्रैक्टर।
नमस्कार।